नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास। खास बात यह है कि आज मैं पिल्लूखेड़ा में मौजूद हूँ, और जहाँ आप ये देख सकते हो कि पिल्लूखेड़ा जो बिजली कर्मचारी है उनके द्वारा हर साल की तरह इस साल भी सुख समृद्धि के लिए, कर्मचारियों के लिए और आम लोगों के लिए एक भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ यहाँ इस भंडारे में ओपीएस के हरियाणा यानी हरियाणा के जो प्रधान है धारीवाल साहब, वो आज मौजूद हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पुरानी जो पेंशन है ओपीएस को लेकर भी यहाँ आज चर्चा की जा रही है। हमारे साथ ओपीएस हरियाणा के जो प्रधान है वो धारीवाल साहब मौजूद है। आज आप विशेष तौर पर यहाँ पहुँचे हो, आपकी मांगों को लेकर क्या कुछ बताना? देखिए, हमारी तो एकमात्र मांग है कि 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा थी, उनको रिटायरमेंट के बाद एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी, वो खत्म करने के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको हम एनपीएस के नाम से जानते हैं वो शुरू किया गया। एक बाजार आधारित नीति है जिसमें हमारे वेतन का कुछ अंश काटकर और सरकार अपने खजाने से आम जनता के टैक्स का पैसा निकालकर कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर बाजार में निवेश करने का काम करती है। बड़े पूंजीपतियों पर शेयर बाजार के अंदर निवेश करने का काम करती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी जो है कि वहाँ से पैसे की वापसी की कोई गारंटी नहीं है। उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है और 2018 से आंदोलन लगातार जारी है। 2018 के भी विधानसभा चुनाव में हमारा बड़ा मुद्दा रहा था। उस समय जननायक जनता पार्टी ने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, दुष्यंत चौटाला ने तो यहाँ तक कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी मैं पहली कैबिनेट में इसको बहाल करने का काम करूँगा। लेकिन अपनी नीति के विरुद्ध, ताऊ जननायक देवीलाल की नीतियों के विरुद्ध, जिनकी नीति पर चलने का काम की बात वो करते हैं, जिनकी नीतियों पर उन्होंने पार्टी बनाने की बात करी थी, उसके विरुद्ध वादे से मुकरते हुए नजर आए। और 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है सरकार के अंदर बैठे, लेकिन आज तक इसका समाधान करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। उसके खिलाफ कर्मचारियों में नाराजगी, हम बड़े आंदोलन कर चुके हैं, बड़ी रैलियाँ कर चुके हैं, चाहे 19 फरवरी की हमारी 2023 की रैली हो, चाहे 11 फरवरी 2024 की रैली हो, आपने देखे होंगे लाखों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी पहुँचे थे। और एक शपथ हमने ली थी कि अगर कर्मचारी, अगर इस बार सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी और उनका परिवार उस सरकार के खिलाफ और ऐसी सरकार को वोट देने का, ऐसी पार्टी को वोट देने का काम करेगा जो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात करेगा। कांग्रेस ने, मैं देख रहा हूँ, कई राज्यों में ओपीएस की बात करी, लेकिन राजस्थान में भी उनकी सरकार चली गई, हिमाचल में अभी तक लागू नहीं हुई, या केरल में भी मैं बात करूं, यानी जो दूसरा ऑप्शन कर्मचारियों के पास बड़ा ऑप्शन तो केंद्र में सरकार पहले रही है कांग्रेस की, अभी कई राज्यों में है, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई ओपीएस कहीं लागू नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर पूरी तरह से पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह पुरानी पेंशन बहाल की है। और दूसरी बात, एक करेक्शन आपकी कर दूं, जो आपने कहा कि हिमाचल में लागू नहीं, हिमाचल में पहली कैबिनेट के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी थी, उसके सारे नोटिफिकेशन जारी हो चुके थे। और 5-6 हमारे जो ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन का लाभ मिला है, जो पहले नई पेंशन योजना में थे, उनको हमने जींद रैली में बुलाया था, वो अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ पहुँचे थे। तो ये केवल और केवल कि भारतीय जनता, हिमाचल की आपने बात करी, अभी हिमाचल में तोड़फोड़ चल रहा था, वहाँ मंत्री हैं उनके द्वारा भी ये बात सामने आई, अभी ओपीएस का मुद्दा था, अभी तक सरकार ने लागू नहीं, उन्होंने ये कहा वहाँ के मंत्रियों ने कि हमने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया, अब ऐसा कानून बनाकर जाएंगे विधानसभा में, ऐसा कानून बनाएंगे कि इसको अगर दूसरी सरकार बनती है वो खत्म ना कर सके। जिस तरह हिमाचल में ये बात चल रही है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो कह रही है कि हम इस निर्णय को वापस लेंगे, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अब ये वादा कर रहे हैं कि हमने बहाल तो कर दी, लेकिन हम विधानसभा में ऐसा कानून बना देंगे कि इसको कोई वापस ना कर सके। हरियाणा में बड़ी तोड़फोड़ हुई है सरकार में, जननायक जनता पार्टी का बीजेपी का आज गठबंधन टूट गया, यानी जो उम्मीदें आपको जेजेपी से थी, अब आपको लगता है कि वो जितनी उम्मीदें उन पर पानी फिर गया? देखिए, उम्मीदों पे पानी तो हमारे बहुत पहले ही फिर गया था, जब पहली बार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब हम उनसे मिलने गए थे और जो उनका रवैया देखने के बाद, और उन्होंने जब उन्होंने कहा था कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हमने बनाया है जिसमें चाहे बुढ़ापा पेंशन हो और अन्य कई मुद्दे उन्होंने रखे, 75% रिजर्वेशन का मुद्दा था प्राइवेट कंपनियों में बच्चों के रोजगार का कि उन्होंने रखा और वहीं पर ओपीएस को छोड़ दिया, तो निश्चित तौर पर उसी दिन हमारी उम्मीदें उनसे खत्म हो गई थी और उन्होंने अपने आंदोलन उनके खिलाफ जारी कर दिया था।
और आज तो हम उम्मीद कर रहे हैं, वो तो अपना उनका अपना निजी गठबंधन था, उनके स्वार्थ का गठबंधन था, जनता के मुद्दों का गठबंधन थोड़ी था। अगर जनता के मुद्दों का होता तो पुरानी पेंशन का गठबंधन होता, 51 से बुढ़ापा पेंशन का गठबंधन होता, 75% रोजगार का गठबंधन होता, लेकिन कोई भी वादा तो पूरा नहीं किया, वो तो अपना स्वार्थ का जरूरत। जितेंद्र, अभी आपका मूवमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा, क्या लगता है कि सर्व कर्मचारी जो संघ है या तमाम हरियाणा के जो कर्मचारी है उनका क्या कोई प्रेशर लगता है इस आपके जोर बीजेपी की सरकार है उस पर कुछ पड़ने वाला है या फिर कुछ और ही नतीजे, क्योंकि लोकसभा भी आई गए? देखिए, हरियाणा में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे आंदोलन जारी है, जिसमें चाहे सर्व कर्मचारी है, महासंघ है, अध्यापकों के हमारे संगठन है और अन्य विभागीय संगठन है, सभी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे आज इस OPS की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज एक घर घर तक ये आंदोलन पहुँच चुका है और कर्मचारी कोई किसी अलग वर्ग नहीं है, कर्मचारी आम जनता का तो बच्चा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, छोटे व्यापारी के बच्चे हैं, वही तो सरकारी सेवा के अंदर आते हैं। तो जन जन तक हमारा आंदोलन पहुंच चुका है, चाहे आज सामाजिक संगठन है, मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, छात्र संगठन है, सभी आज हमारे साथ हैं। निश्चित तौर पर घर घर तक जो आंदोलन पहुँचा है वो एक बड़ा आघात सरकार को पहुँचाने का काम करेगा। अनूप हमारे साथ, अनूप क्या कारण है, क्यों जो है पुरानी स्कीम लागू होनी चाहिए और क्यों इसको बंद किया गया? देखो, हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको नई पेंशन के अंदर ला दिया और हरियाणा सरकार के अंदर 2006 के बाद जो पुरानी पेंशन है उसको ख़त्म किया गया। सबसे बड़ी बात है, जो हमारा कर्मचारी वर्ग का जो पैसा वेतन से 10% काटा जा रहा है और प्रदेश और देश की जनता का जो टैक्स का पैसा है वो 14% दोनों इकट्ठा करके शेयर मार्केट के अंदर लगा दिया जाता है, जहाँ से बड़े बड़े पूंजीपति और मल्टीनेशनल कंपनियों के पास वो पैसा यूज करने के लिए जा रहा है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, हम पीछे 3 मार्च 2023 को हमारी एक मीटिंग हुई थी, कमेटी बनाई थी, कमेटी के बाद एक मीटिंग हुई थी हरियाणा सरकार के साथ, हमने वहाँ भी पूर्ण तथ्य हरियाणा सरकार के सामने रखे थे कि कर्मचारियों के जो पेंशन, जो नई पेंशन है उसमें कर्मचारी वर्ग के साथ साथ प्रदेश की सरकार को भी आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है और यदि हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करती है तो उसमें कर्मचारी वर्ग के साथ साथ कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा और प्रदेश की जो जनता का टैक्स का पैसा है वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका भी नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है कुछ सरकार से राहत मिलेगी? देखो, हम तो लगातार पिछले 4-5 वर्षों से लगातार पेंशन के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद की बात आती है कि प्रदेश का जो कर्मचारी है वो वर्तमान की सरकार से अपनी मांगे मनवाता है, वर्तमान की सरकार से अपनी मांगता है। यदि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार उस पर कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो उसके बाद प्रदेश के जनता लगा लो, चाहे भी कर्मचारी लगा लो, उसके पास एक ही अधिकार होता है, वोट का अधिकार। और वोट के अधिकार के अंदर यदि प्रदेश की जनता यदि ये चाहते हैं कि हमारे जो आने वाले भविष्य है, जो ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ये बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ये उनकी भी लड़ाई है, जो यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनके भी बच्चे सरकारी सेवा में आने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनकी भी लड़ाई है। इसलिए ये जो पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है वो प्रदेश के कर्मचारी वर्गों के साथ साथ प्रदेश के जो आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं, जो हमारे छोटा किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, उनके बच्चों के भविष्य की भी ये लड़ाई है। इसलिए हरियाणा प्रदेश की सरकार को मान ले कि वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, हम हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं, पहली प्राथमिकता उनके लिए है कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करे, अन्यथा वोट फॉर OPS अभियान जो हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चलाया था और वहाँ भी सत्ता परिवर्तन करने का काम किया था, यदि हरियाणा सरकार यहाँ पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो वाकई में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी वोट फॉर OPS का अभियान चलाते हुए सरकार को बदलने का काम कर्मचारी। लोहान साहब, जोगिंदर लोहान हमारे साथ है। लोहान साहब, आपकी जो मांगे है अगर सरकार नहीं माननी जाती तो अगला स्टेप क्या करते? हमने तो प्रधान जी ने जैसा कि पहले ही से ही क्लियर कर दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोट फॉर OPS की मुहिम चलाएगा कर्मचारी और सभी। जिस प्रकार से ये जनाधार, ये गठबंधन अभी आज टूटा है तो ये तो जन भावनाओं के खिलाफ का गठबंधन था, लेकिन कर्मचारियों की भावना का गठबंधन है हमारा। सभी विभागों के कर्मचारी जो है OPS को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे कच्चा कर्मचारी है, चाहे पक्का कर्मचारी है, सभी के सभी इस मांग के लिए इकट्ठे हैं और वोट फॉर OPS की मुहिम चलाकर हम इस सरकार को बाहर करने का काम करेंगे। और जो भी राजनीतिक दल हमें विश्वास दिलाएगा कि, और अपने घोषणा पत्र में ये डालेगा कि पहली कैबिनेट में हम आपकी जो है पेंशन बहाल करेंगे, हम उस पार्टी को समर्थन देने का काम करेंगे।
चलिए, क्या मुख्य डिमांड आपके ने रखी है और क्या अभी तक कोई चर्चा या कोई बात सरकार के साथ आपकी हुई है? हमारी 19 फरवरी 2023 में पंचकुला में सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम था, उसमें आपने भी देखा होगा कि कर्मचारियों के ऊपर किस प्रकार से लाठियां बांधी गई थी, पानी और गैस का प्रयोग किया गया था। उसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री के साथ हमारी वार्ता हुई थी और 3 अधिकारियों की एक कमेटी बना दी गई थी। उस कमेटी के साथ हमारी 2 बार वार्ता हुई, लेकिन उन्होंने एक बात कह के कि भी सेंटर में कमेटी बना दी गई है और जो सेंटर की कमेटी का जो आउटपुट होगा वो हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद आज तक ना तो कोई सेंटर गवर्नमेंट के साथ किसी प्रकार का आगे सेंटर गवर्नमेंट बढ़ी है, ना ही राज्य गवर्नमेंट बढ़ी है, और हमारे साथ उसके बाद आज तक कमेटी की, किसी भी कमेटी की कोई वार्ता नहीं हुई है। और हमें लग रहा है कि आने वाले समय तक भी इस सरकार से हमें कोई ज़्यादा आशा नहीं है। एकजुट हैं सारे कर्मचारी बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा कोई आम मुद्दा नहीं है, ये जन जन तक पहुंच गया मुद्दा और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी के पास भी ये बात पहुंच गई है, ग्रामीण से ग्रामीण व्यक्ति है, सभी के पास ये बात पहुंच गई है कि ये भी कोई मुद्दा है। पहले आने वाले पहले चुनाव में इस प्रकार की बात लोगों को पता ही नहीं था कि ओपीएस है क्या, आज हर आदमी तक ये मुद्दा पहुँच गया है। और हमने एक मुहिम और चला रखी है, सिर्फ कर्मचारी नहीं, कर्मचारी के परिवार, रिश्तेदार, सभी के सभी जो है इस आने वाले चुनाव में इस बात का जो हम बदला लेंगे सरकार से, जो हमें झूठा वादा करके, जो हमारे साथ विश्वासघात करे है सरकार ने, उसका आने वाले चुनाव में बदला लेकर सरकार को बाहर करने का काम करेंगे। क्या किस तरीके से देखते हो जो ओपीएस को लागू सरकार नहीं कर पा रही है, उसके पीछे क्या रीजन मानते हो और कर्मचारियों की लड़ाई कहाँ देखते हो? सर, जो सरकार लागू नहीं कर पा रही है ना, वो है कारण पूंजीपति। ये जो मोटा पैसा जा रहा है ना पूंजीपतियों की जेब में, जो एनपीएस के नाम पर कर्मचारियों को लूटा जा रहा है, हम देखते हैं दिन प्रतिदिन लाखों करोड़ों का जो बजट है ये सीधा का सीधा शेयर मार्केट में लगता है, एक आम कर्मचारी को उससे क्या फ़ायदा होगा? तो ये जो कर्मचारियों की जो लड़ाई है ये जब तक खत्म नहीं होगी जब तक ओपीएस हरियाणा में लागू नहीं होगी। ये उन पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सब काम किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग का समर्थन करने पहुंचे हैं 12 के प्रधान है और पूर्व सरपंच है सत्यनारायण जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहोगे सरपंच साहब, जिस तरीके से ओपीएस को लेकर, मांग को लेकर लगातार कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं, कितनी जायज मानते हैं उनकी मांग? भाई देखो, ये सारी उम्र सरकार की सेवा करते, मतलब पब्लिक की सेवा करते सरकारी कर्मचारी, हम तो ये कहो आके हमारे भाई हैं, हमारे बालक, हमारे बेटा बेटी हैं, इनकी जायज मांगे हैं। और हम तो पहले भी धारीवाल साहब ने साइकिल यात्रा करी थी आल हरियाणा की, उसमें भी साथ थे, और मैं तो कड़वा तप्पा की उससे मतलब इनको पूरा पूरा समर्थन देता हूँ कि जहाँ जानती जायज मांग कर देंगे तो हर समय जानती जरूरत पड़ेगी वहाँ समर्थन देते रहेंगे और साथ देंगे तन मन धन से। चलिए, हमारे साथ प्रधान है, उनसे भी हम बात करेंगे। बारागम्मा के प्रधान, वो तो कर दिया। आज कर्मचारी जो हरियाणा राज्य के प्रधान है वो भी पहुंचे हैं, धारीवाल साहब, अनूप लाठर जी जो उप प्रधान है वो पहुंचे हैं, जिले के प्रधान भी पहुंचे हैं, क्या मुख्य विषय है? एक तो मुख्य विषय है जी, हमारा अमरसाल भंडारा लाते हैं पिलुखड़ा सब डिवीजन में, एक कर्मचारी की परिवारिक खुशहाली के लिए और अपनी खुद की खुशहाली के लिए जी। और धारीवाल जी यहाँ पहुँचे, इनका बहुत ही सादर आमंत्रित है यहाँ जी, एक ये मुहिम लेके चले हुए ओपीएस की जी, उसमें प्रत्येक कर्मचारी इनका सहयोग कर रहा है जी। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानता तो आपका एक्शन क्या होगा? हमने प्रधान जी ने कहा वो चलाया है जी कि ओ वोट फॉर ओपीएस, हम अपनी वोट से इसको सरकार को जवाब देंगे जी। तो क्या लगता है कि वोट की चोट की जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो पड़ेगी सर, क्योंकि लगने वाली ना कुछ हमारी सुनाई करी नहीं जी। लोकसभा में जवाब दिया जाएगा, विधानसभा तक इंतजार करोगे? नहीं, लोकसभा में जवाब देंगे जी इनका तो। हाँ जी, तो कौन सी पार्टी से अभी कोई चर्चा चल रही है कि वो आपका समर्थन कर रही है? देखो जी, हमारी 11 तारीख की जिन रैली थी उसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं जी दीपेंद्र हुड्डा आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कांग्रेस का गुणा पत्र में भी है जी, अगर हम पहले कलम से ओपीएस को बहाल करेंगे। तो कर्मचारी दीपेंद्र हुड्डा की बात पर विश्वास कर रहे हैं? नहीं, अभी तो जी बता क्या बात है, कर्मचारी तो जब मानेंगे जब हमने मिल लेगी जी। तो फिलहाल दोनों सरकार को विपक्ष तो कहेगा मुद्दा हमारा नहीं, ओपीएस देंगे जी, वो तो मिले पास पता लगा जी, देंगे सच्चाई झूठ है जी।
कर्मचारियों का मुद्दा कहीं कैस तो नहीं कर रहा विपक्ष? क्या कह सकते हैं इसके बारे में, तो जी मुहिम चलाई हुई वोट फॉर ऑफिस की, उसमें देखते हैं कौन क्या होता है जी। प्रधान जी जो आदेश देंगे उन पर हम बुलवाएंगे जी। भंडारा लगाए, इस भंडारे पर क्या कुछ कहना? ये भंडारा तो जी हर साल लगाते हैं, इसमें जी कर्मचारी अपना सब साथी सहयोग देता, परिवार भी सहयोग देते हैं जी, और ये कर्मचारी खुशहाली के लिए, उसका परिवार खुश रहे, अब कर्मचारी की, क्योंकि हमारा बिजली बोर्ड में एक जोखिम का काम ज़्यादा है जी, कभी भी एक्सीडेंट की दुर्घटना घट सकती है जी, तो उसकी शुभकामनाएं, मतलब कर्मचारी स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, उसके लिए भावनाएं लगाते हैं मंगलवार का भंडारा हनुमान जी के ऊपर जी। कितने सालों से लगा? हम तो जी जब से आए हमारे पुराने कर्मचारी इसको लगाते आए, हमने परंपरा आगे चलाया जी। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि हजारों लोग यहाँ से जो है खाना खा के बाहर भी जा चुके हैं। यहाँ जी हमने टारगेट रखा है 5000 कर्मचारी का जी, जो आसपास के गांव हैं वहाँ सभी आते हैं जी, 5000 के करीब हमने, स्कूल है बच्चे सारे पूरा सहयोग करते हैं हमारा सारा जी। राजा समदो हमारे साथ हैं जो कि राज्य में HSVB के उपप्रधान है। प्रधान जी, क्या जिस तरीके से OPS का मामला हरियाणा में बड़ा तूल पकड़ रहा है, ना केवल हरियाणा में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में आज लगातार कर्मचारियों की डिमांड है कि OPS लागू होना चाहिए, हालांकि सरकार के द्वारा अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके सभी चैनल का, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। रही बात हमारी OPS की, ये आज के टाइम की सबसे बड़ी मांग है। प्रत्येक जब एक विधायक जितनी बार बनता है इतनी बार ये पेंशन लेता है, तो क्या कर्मचारी ने क्या कसूर कर रखा है? कर्मचारी अपने सारी उम्र अपना काम कर रहा है, अपने बच्चों पर लगाता है, तो लास्ट टाइम में क्या उसको जरूरत नहीं होती? आज की सबसे बड़ी डिमांड है कि हमें हमारी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों जरूरी है पेंशन? जरूरी यह है कि हमने एक बताओ, जो आदमी 58 साल तक डिपार्टमेंट में सेवा करके उसके बाद वो अपना काम, वो नहीं, कोई काम तो कर नहीं सकता, तो उसको अपनी देखभाल के लिए, बचाव करने के लिए तो पुरानी पेंशन तो जरूरी है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जरूरी है। हाँ, अपने हाँ भविष्य के लिए सबसे जरूरी है पुरानी पेंशन। अगर सरकार इसे लागू ना करे तो कर्मचारी होगा क्या एक्शन रहेगा? वोट फॉर OPS, इस मुहिम को हम आगे बढ़ावे रहे हैं, जो हमारे को पुरानी पेंशन देगा हम वोट उसी को देंगे। कौन आपकी बात सुन रहा है, क्या विपक्ष के? विपक्ष हमारी बात सुन रहा है, कांग्रेस ने तो हमारे घोषणा पत्र में भी प्रत्येक मंच पर आकर भी हमारे पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हमें आपको पुरानी पेंशन मिले। आपकी बात से आश्वस्त? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे पुरानी पेंशन? सर्कल सचिव, सर्कल सचिव हमारे साथ, मैं राजेश हासन, सर्कल सचिव HSVB वर्कर यूनियन जींद। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप आज इस भंडारे के उपलक्ष्य में भी कर्मचारियों की जो अहम मांग है उसको उठाए हुए हैं। हमारी तो एक ही मांग है, पुरानी पेंशन जो सरकार देगी हम उस सरकार के फेवर में मतदान करेंगे। ये जो सरकार है ये कर्मचारी विरोधी है, बिल्कुल 100% ये, इससे हर वर्ग आज दुखी है। मजदूर किसान आप देखते होंगे, रोज किसानों की साथ में जनसभाएं हैं, लाठीचार्ज हैं। यदि ये सरकार अच्छी होती, मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा 19 फरवरी 2023 को कर्मचारी चंडीगढ़ के अंदर गए थे अपनी मांग मनवाने के लिए। इस तानाशाह सरकार ने बातचीत करने का जो तरीका था वो सही नहीं था। प्रदेश का जो कर्मचारी है कितनी मेहनत करके विभागों को चलाता, उनके साथ इन्होंने लाठी डंडे आसुगस के गोले दागे गए, जबकि ये हम उसकी आलोचना भी करते। और यदि मुख्यमंत्री समय रहते इस मांग को लागू कर दे तो कर्मचारी आज भी सेवाएं करते तब भी करेंगे, नहीं तो आज वर्तमान में इलेक्शन को देखते हुए कांग्रेस की जो सरकार है उसने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम आपको ना OPS देंगे, और OPS यदि बहाल करेंगे तो हम उस सरकार को बिल्कुल वोट देंगे। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये आने वाली नई पीढ़ियों का मुद्दा है, बच्चों का भविष्य भी है। जब एक कर्मचारी लगभग 30 साल 35 साल अपनी सेवाएं देता है, सेवा देना के बाद में उसका जो वृद्धावस्था है वो किसके सहारे काटे? नहीं तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि एक लेके आए हैं NPS। NPS तो एक बहुत बड़ा कैंसर है, इसका जो परिणाम है जो कर्मचारी NPS से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी जो तनख्वाह है 900 रुपये 1200 रुपये, जबकि हरियाणा सरकार ने वृद्धा पेंशन बना दी 3000 रुपये, तो कर्मचारी NPS की बजाय तो वृद्धा पेंशन ले लेगा, कम से कम उसको 3000 तो मिल रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से
हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक से जो पढ़ा लिखा है, जो जॉब करता है, उससे परिवार जो जुड़े हुए हैं, हमारी तो एक ही अपील है इस देश को बचाने के लिए। ओपीएस की जो मुहिम है हम उसके पक्ष में है, उसी सरकार को हम अपना मतदान देंगे जो कर्मचारियों के हित में बढ़िया फैसले लेगी।